जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए, वाटरमेलन तरबूज किसको नहीं है पसंद। तो जब तरबूज हम खा लेते हैं तो नॉर्मली ये जो हमारा छिलका होता है ये बच जाता है तरबूज में। तो आज इसी को हम यूज़ करके बनाएंगे ये ज़बरदस्त रेसिपी। अब तरबूज के छिलके फेंकने की नहीं है ज़रूरत। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक बड़ी चम्मच तेल लिया है और फिर अब हम उसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स और हींग एसाफोएटिडा। और फिर अब हमने यहाँ पर डाला है ग्रीन चिली। आप देख सकते हैं ग्रीन चिली अब हमने यहाँ डाली है। और जब तक हमारी ग्रीन चिली हो रही है तो देखिए, तरबूज को हमने वाटरमेलन का, ये तो सभी बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको पसंद आता है। और यहाँ पे देखिए, अब हम इसके पीसेस कट करके आपको दिखाते हैं। आपको इसको ये इसके ये जो ऊपर का हमारा छिलका है वो हटा लेंगे, पर ये जो इसका बीच का पार्ट रहता है ना, इसको हम यूज़ करेंगे और ऐसे काट लेंगे। और ऐसे देखिए, हमने आज हमारे पूरे तरबूज के ऐसे काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस। और अब हम यहाँ पर लेंगे, आज हम बना रहे हैं तरबूज के छिलकों से ये सब्जी की रेसिपी। और ये रेसिपी है मृदुला अमेरिया जी की, ये है बहुत पुराने सालों की रेसिपी। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। एक बार बनाइए, ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने वाइट पम्पकिन यानी कि सफ़ेद पम्पकिन आपने खाया है तो आपको पता चलेगा लौकी घिया ऐसी ही टेस्ट की लगती है सब्जी, और बहुत टेस्टी होती है। एक बार गरम गरम चपाती के संग खाइए, मज़ा आ जाएगा। और ये देखिए, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये जो तरबूज हम खाते हैं ना, ये छिलके भी अब हम देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये आप देखते हैं, इसमें पानी बहुत होता है तो सिजाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और गर्मा गर्म 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 चपाती के संग ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है। और ये हल्दी, टर्मरिक हमने 1 टीस्पून डाली है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। ज़बरदस्त रेसिपी अब हम लेके आए हैं। ये है बहुत साल पुरानी रेसिपी, 50 से 100 साल पुरानी रेसिपी, जो अब आप बना सकते हैं इसको। और जब तक ये हमारी सिज रही है, बहुत जल्दी सिजेगी, तो उस 1 मिनट में आइए सब मिलकर एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव बना देता है। तो आइए कलेक्टिव प्रेयर करेंगे, सबको ब्लेसिंग्स देंगे। इंडिया में अभी सभी फैमिलीज़ को, हमारी आपकी इंडिया की फैमिलीज़ के लिए अभी हम छोटी सी प्रेयर करके जिनको भी ज़रूरत है उनको ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब ये देखिए, हमने फुल मीडियम से फुल फ्लेम पे ही इसको होने देना है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो वाटरमेलन का पार्ट है इसमें ऑलरेडी पानी होता है। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे खटाई के लिए। आप तरबूज के छिलके का हलवा बनाते हैं, वाओ, आई नीड टू सी दैट रेसिपी एंड गेट दैट रेसिपी। आप लाइव आइए ज़रूर, वी वुड लव टू शो दैट रेसिपी। अब हमने इसमें लाल मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर डाली दिया है, और ये भुना हुआ जीरा, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर। देखिए हम फेंक देते हैं, पर तरबूज के छिलकों में भी कहते हैं बहुत न्यूट्रिशन होता है, उसको फेंकने की जगह बनाइए ये टेस्टी सब्जी, गारंटी। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम खाई थी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। अभी हम हमारे मसालों को यहाँ पे सिकने देंगे, इसको बहुत ज़्यादा सीजने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सिजती है। और देखिए बन चुकी है, अब हमारी गर्मा गर्म इसको सर्व करिए धनिया पत्ते के संग, गर्मा गर्म चपाती के संग। बनाइए, इंजॉय करिए और स्टे सेफ एंड हेल्दी एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग द प्रेयर टुगेदर। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।